से, हमारे अंदर परमात्मा के सुंदर गुण तो आ सकते हैं लेकिन हम भगवान कभी नहीं बन सकते। दोहा दोहा घरोड़ से इस बच्ची की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। बोल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे और बड़ी होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। और आज के जमाने में अगर कोई अपना कर्म करता हो या कोई भगवान की कोई कथा कहता हो या भगवान की चर्चाएं कहता हो या आपके बिगड़े काम बनाता हो तो इंसान उसे भगवान मान लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अपना कर्म करता है, कोई आपको ठीक कर रहा है, आपको उससे लाभ मिल रहा है, ठीक है उसको मानो, लेकिन भगवान की उपाधि ना दो, ज्यादा अंधविश्वास में ना पड़ो। आज की दुनिया 100% में 50% लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, याद रखना। आजकल 100% में 50% लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान यही बात बाबा नंद को समझा रहे हैं, बाबा ये दुनिया बड़ी अंधविश्वासी और बेढंगी है। जब ढंगी दुनिया भूला भूलैया ने बोलानी है, जब ढंगी दुनिया जी की मम्मी जी इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अंधविश्वासी दुनिया है, भगवान बोले। और ये 50 रुपए श्री अनेक सिंह सागर नगला बेटा से, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान बोले, ए दुखिया भैया पानी मांगे भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे, और जियत ही पाप को पाप न समझे और मरे गंग ले जावे। जब ढंगी दुनिया भूला भूलैया ने बोलानी है, जब ढंगी दुनिया की दुनिया। जो लो बाप जिंदा होवे तो लो लड़का बहुए बाप को गिलास पानी को नहीं पूछती। किट्टू कटारी यानी की तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज जब बाप जिंदा हो तो लड़का बहू बाप को पानी की नहीं पूछे, तो जब भाई बाप मर जा तो बहू ढोला गाया गाया के सुनाती, लड़का रोए रोए के दिखाते के हाँ मेरे पापा जी मर गए। फिर जा लगा जब ठोकर को कितो चांत होवे। हाँ ये जमाना आ गया है। तो आज भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा आपको अगर पूजन ही करना है तो हम जिसका बताएं उसका पूजन करो। तो नंद बोले, बेटा तुम बताओ। तो भगवान बोले, बाबा अगर आपको पूजन ही करना है तो गोवर्धन महाराज का पूजन करो। किसका? गोवर्धन महाराज का। ये गोवर्धन महाराज कौन थे परीक्षित जी? परीक्षित जी ये गोवर्धन महाराज कौन थे? ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे।
थे और इन गोवर्धन पर्वत को महाराज पुलस्त्र से लेकर के आए थे सूरज भूमि पर। ठीक समझ रहे हो क्या? सारी इनके चक्कर में तुम्हारे दिमाग से ऊपर बात नहीं कर रही है। सुंदर नहीं रहे अब भैया? सारी आए ससुराल वाले आए सारी हैंडसम है। तो गोवर्धन महाराज ये ध्रुणांचल पर्वत के पुत्र थे और इस ब्रज भूमि पर पुलस्त्र से लेकर के आए थे गोवर्धन महाराज को। अब शंका ये बनती है कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? पूजा इसलिए करवाई क्योंकि गोवर्धन महाराज जो थे इनको त्रेता युग से ही वरदान लगा हुआ था। राम जी ने वरदान दिया था, राम जी ने त्रेता युग में कि हम द्वापर में जब कृष्ण बनेंगे तब तुम्हारी पूजा करवाएंगे। बात कब की है बड़े ध्यान से सुनना। बता दे दादा, बता दे। अच्छा, त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे लंका जाने के लिए तो पत्थरों की जरूरत थी समुद्र में लगाने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो अब छोटी छोटी बानर सेना रहे वो सब पत्थर ला रहे समुद्र में डाल रहे। ए मैया आज तुम बातें कर रही हो, तुम शांति से बैठो। बानर सेना छोटे छोटे पत्थर ला रहे पुल में लगा रहे। हनुमान जी ने देखा बानर सेना छोटी छोटी छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं, ऐसे जे समुद्र में लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा पुल बनते बनते। तो हनुमान जी पर्वत उठाने उठा करके लाने लगे। हनुमान जी ने यही गोवर्धन पर्वत उठाया और उठा करके महाराज राम जी के पास ले जाने लगे। तब तक पुल पूरा बन चुका था। तो राम का संदेशा हनुमान के पास आ गया कि हे हनुमान तुम जो पर्वत ला रहे हो उसे वहीं रख दो, सेतु का निर्माण हो चुका है। अब राम वो हनुमान जी उस पर्वत को वहीं रखने लगे। गोवर्धन पर्वत रोने लगे। हनुमान ने पूछा क्यों रो रहे हो गोवर्धन पर्वत? तो गोवर्धन पर्वत ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि हम चाहते थे कि हम राम की सेवा में लग जाते और जब हम राम की सेवा में लगते तो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो हमारे भी भाग खुल जाते, हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन हमारा तो ये सौभाग्य नहीं है जो राम के चरण मेरे ऊपर पड़ पाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हनुमान ने खबर पहुंचाई राम के पास कि पर्वत रो रहा है। तब राम ने उस गोवर्धन पर्वत को ये वरदान दिया था कि त्रेता में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा और द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे और तब आकर के तुम्हारी पूजा कराएंगे। और सुनो त्रेता में अगर तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम हमारे नीचे होते हम तुम्हारे ऊपर होते, लेकिन जब द्वापर आएगा तो द्वापर में इसका उल्टा होगा। जब इंद्र जल की वर्षा करेगा और जब हम पर्वत को धारण करेंगे तब हम नीचे होंगे तुम हमारे ऊपर होगे। सही भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। बोले गोवर्धन महाराज की, बोले भाग्य बिहारी लाल की। पीछे वाले तो मौन ही बैठे मुस्किया और जाती मंद मंद, और जब जब मुस्किया जाती तो बड़ी प्यारी लगती है। और ये 500 रुपए भागवत दान कर रही है बबलू परिहार नगला बेटा से। 100 रुपए गुप्त दान बबलू परिहार नगला बेटा से। ₹100 राजू उत्तमपुर से इनकी तरफ से आए हैं और ₹100 दीपक भैया जी की तरफ से। खुश रहो, बस बस ठीक है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राम। तो भगवान ने बाबा नंद से कहा पूजा किसकी होगी, किसकी होगी? गोवर्धन महाराज की। तो बाबा नंद तैयार हो गए, बोले ठीक कन्हैया जैसा तुम चाहो। और इंद्र अगर नाराज हो गए तो भगवान बोले चिंता ना
करो, इंद्र नाराज हो जाएंगे और हम देख लेंगे। तो आज सारे वृंदावनवासी जो थे वो सब गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। अब जब तैयार हुए तो सुंदर सुंदर व्यंजन लिए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। बड़े प्रसन्न है सभी लोग, गाते हुए जा रहे, गुनगुनाते हुए जा रहे और नाचते हुए जा रहे। कैसे? हम लोग भी चलेंगे, ठीक, साक्षात नहीं तो मानसिक रूप से चलेंगे। क्या पता कि शायद गोवर्धन महाराज बुला लें, है ना। और वैसे भी ये नगला बेटा वृंदावन धाम ही है, कथा चल रही है तो, और भगवान विराजमान है साक्षात। तो सभी लोग बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए और गोवर्धन महाराज के पास चलेंगे, ठीक। क्या मैं तो गोवर्धन को और जाऊं, मेरे वीर नहीं माने मेरो बनुआ, मैं तो ए
जा रहे हैं राजन परीक्षक। सारे वृंदावन वासी जो थे वो चले और चल करके गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे। गोवर्धन महाराज के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद आज आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचे